देश के वीर बेटे अभिनंदन के हार्दिक अभिनंदन पर बड़ी खबर जिले न्यूज पर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आगे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दोपहर के 2 बजे लौटेगा भारत का बेटा, वाघा बॉर्डर से भारत लौटेंगे अभिनंदन। तो आज पूरे खुले दिल से दोनों हाथों से अभिनंदन का हार्दिक अभिनंदन तैयारी कर चुका है भारत, जिस पर आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर स्वागत के लिए पूरा देश इस समय उमड़ा हुआ है। दोपहर के 2 बजे वतन लौटेंगे देश का ये वीर बेटा अभिनंदन। आज पूरे देश की निगाहें जो हैं वो वाघा बॉर्डर पर हैं। दोपहर के 2 बजे भारत लौटेंगे अभिनंदन, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज दोपहर के 2 बजे का बेसब्री से पूरे देश को इंतजार रहने वाला है, क्योंकि वाघा बॉर्डर के रास्ते ये वतन का जो बेटा है ये घर वापसी करने वाला है, अपने वतन वापस आने वाला है। हिंदुस्तान का ये जाबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन आज दोपहर 2 बजे वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटने वाला है। दोपहर 12 बजे विंग कमांडर अभिनंदन देश लौट रहे हैं वाघा बॉर्डर से। मेरे सहयोगी विपिन परमार जुड़ गए और जानकारी के साथ। विपिन, दोपहर 2 बजे होगी वापसी अभिनंदन की। पूरा देश खुश है, अमृतसर ज्यादा खुश आपको दिखाई देगा, क्योंकि अमृतसर के लोग जो हैं वो चाहे जंग के हालात में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं एकत्र हैं। अमूमन इनके लिए जो है ये खुशी का दिन है, क्योंकि देश का वो सपूत, देश का वो जवान जो है उसके अभिनंदन के लिए ये लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। तिरंगे झंडे लेकर आप देख सकते हैं, ये फूल माला जो है वो अभिनंदन के लिए खास तौर पर लाई गई है, खास तौर पर बनाई गई है। और तकरीबन 2 बजे जो है वो अभिनंदन जो है वो इसी भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होंगे पाकिस्तान से। रावलपिंडी से उन्हें पहले लाहौर लाया जाएगा और उसके बाद ICRC को हैंड ओवर किया जाएगा, और उसके बाद जो है उन्हें वाघा बॉर्डर के रास्ते तकरीबन 2 बजे जो है वो भारतीय सरहद में जो है वो एंटर करके उनका परिवार जो है वो कल शाम अमृतसर पहुंच गया था। उनके परिवार के लोग जो है वो अंदर जा चुके हैं। ऐसे में इंतजार है पूरे देश को, अमृतसर को अभिनंदन के आने का। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग हैं जो कि खुद से ढोल लेकर आए हैं, ढोल बजाकर जो है वो अभिनंदन का स्वागत होगा। अमृतसर में जो है एक अलग तरह का सेलिब्रेशन होगा। आप देख सकते हैं कि देश का सुकूत, जिसने देश का नाम बढ़ाया, कहीं ना कहीं भारतीय सरकार की जीत हुई है जिसके आगे पाकिस्तान झुका है, और अभिनंदन जो है उसकी घर वापसी जो है आज हो रही है। विंग कमांडर अभिनंदन 2004 में जो है वो भारतीय एयरफोर्स में जो है वो शामिल हुए थे, और ऐसे में जो जाबाजी उनके द्वारा दिखाई गई, जिस तरह से जब उन्हें कैप्चर किया गया, हिरासत में लिया गया, उस समय उनके पास जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज थे, उनको उनके द्वारा स्वॉलो किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी आंखों में कहीं डर दिखाई नहीं दिया। लगातार वो जो है वो एक ही बात कहते नजर आए कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। वही जज्बा पूरे देश के आज भारतीयों में देखने को मिल रहा है, अमृतसर के लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि देश का जावाज आ रहा है, तो ऐसे में उसका स्वागत जो है, उसका अभिनंदन जो है वो भी ग्रैंड होगा। और तैयारी जो है यहाँ पर पूरे अमृतसर के द्वारा कर ली गई है। लोग जो है सुबह 6 बजे से ही अटारी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए थे, और लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से देश का नाम, देश का गर्व जो है उसको बढ़ाने का काम अभिनंदन के द्वारा किया गया है, उस सपूत के स्वागत में कोई भी कमी जो है वो नहीं रहेगी। कमी होती दिख भी नहीं रही है सुमित। इस समय देख सकते हैं कि पूरा देश जो है वाघा बॉर्डर पर आपके इर्द गिर्द है, ना सिर्फ मीडिया का जमावड़ा बल्कि ढेरों लोग वहां पर, हजारों की संख्या में इस समय वहां पर लोग मौजूद हैं, जो बस अपने इस बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज दोपहर के 2 बजने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब दोपहर के 2 बजेंगे और वतन वापस लौटेगा अभिनंदन। देखिए, बिल्कुल इंतजार तमाम देश को, तमाम लोगों को यही है, क्योंकि देश का बेटा, देश का सपूत, वो जावाज जिसने पाकिस्तान में घुसकर F-16 जेट को गिराया, और जब ये हालात पैदा हुए कि वो पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में आया, उस समय भी वो बिल्कुल भी डरा नहीं, डटा रहा, आंखों में आंखें मिलाकर जवाब देता रहा, और उस जावाजी का आज ये परिणाम है कि देश के उस सपूत को रिसीव करने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए पूरा अमृतसर यहां पर उमड़ा पड़ा है। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। पाजी, अभिनंदन की घर वापसी हो रही है, किस तरह से देखते हैं? जो भारतीय सरकार के द्वारा दबाव बनाया गया उसने आखिरकार काम किया है, आज आपका भाई जो है अभिनंदन वापस आ रहा है। हाँ, मैं इसके लिए मोदी सरकार और इमरान खान दोनों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इससे शायद हमारे देश के रिश्ते भी थोड़े से मजबूत होंगे, और खुशी तो है, इसीलिए आए इतनी दूर से, अमृतसर से सुबह 6 बजे से यहाँ पे आके खड़े हैं, ताकि जब भी हम अंदर आए उनका स्वागत के लिए ढोल वोल के साथ स्वागत किया जाएगा।
बाजी क्या कहेंगे, आज अभिनंदन वापस आ रहा है, आपका भाई वापस आ रहा है। बहुत खुशी है जी, बहुत बहुत देश का हीरो आ रहा है, हीरो आ रहा है, हमें बहुत खुशी है। असली हीरो आ रहा है यार, रोज हीरो आते हैं लेकिन आज हीरो आ रहा है उसकी अलग ही खुशी है। इसलिए डोल्स के साथ हम पंजाबी कल्चर के साथ लेके जा रहे हैं। खास तौर पर ये हार बनवाया गया, आप देख सकते हो कई किलो का हार जो है अभिनंदन खुद तैयार करे, हाथों से बनाया, खुद तैयार करे। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको 3.5-4 घंटे लगे। तो क्या तैयारी कर ली थी, पता था कि अभिनंदन? जब पता चला उसी टाइम तैयारी करने लगे। क्या क्या कहेंगे अभी अभिनंदन आने वाला इसी रास्ते से, पहनाएंगे उसको तो क्या कहेंगे? हाँ पहनाएंगे, अगर सिक्योरिटी रीजन करके नहीं भी पहनाने देते पर खुशी हमारे को बहुत है जी। मैं इस कदम को किस तरह से देखते हैं सरकार के द्वारा, जिस तरह से प्रेशर जो सरकार ने कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया। तो खास तौर पर 3 घंटे से लगातार जो है वो बुनाई इस हार की गई है अपने अभिनंदन के लिए, उस सुपूत के लिए, उस बेटे के लिए जो कि देश का नाम रोशन कर चुका है। और ऐसे में नेशनल हीरो, एक नया नाम जो है अभिनंदन को मिला है, नेशनल हीरो। वो नेशनल हीरो आज भारतीय सरहद में दाखिल होगा, लोग जो है अपने अपने तरह से उसका स्वागत करना चाहते हैं। बुजुर्ग यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, युवा यहाँ पर है, और ऐसे में ना केवल अमृतसर बल्कि पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा है। चेन्नई में लोग जो है वो खुशी का माहौल है, लेकिन चेन्नई के साथ साथ पूरा भारतवर्ष जो है अभिनंदन के अभिनंदन में झुका दिखाई देगा। बाघा बॉर्डर पर ये लोग जो है उनकी खुशी जो है, उनके इमोशन जो है वो आप उनके चेहरे से देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरह का जो साहस उन्होंने दिखाया है, जो दम उन्होंने दिखाया है, देख सकते हैं हम यहाँ पर लोग खासे खुश हैं और आपकी खुशी भी आपके चेहरे पर देखी जा सकती है। हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर विपिन, सबसे पहले तो ये बताइए, इंडिया न्यूज को ये जानकारी आ रही है कि अभिनंदन का परिवार अमृतसर पहुंच चुका है, और दूसरी चीज ये आपका भी अभिनंदन है, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है कि इस तरह का कवरेज करने मिले, और आप वहां पर जो माहौल देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, कितना उत्साह बना हुआ है और कैसे ये आगे बढ़ेगा ये सिलसिला समझाइए। कौन से ऐसे मेहमान हैं जो अभिनंदन को अभिनंदन करने के लिए वाघा बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं? देखिए बिल्कुल मनीष जी, धन्यवाद आपका। और जाहिर सी बात है जो बात आपने कही कि इस तरह का मौका कम लोगों को मिलता है, रोंगटे खड़े होने वाला एहसास होता है जब आपका वो साहसी बेटा जो है वो देश की सरहद में वापस आ रहा होता है, जिसके द्वारा जो है नाको चने जो है वो पाकिस्तान को चुबाए गए हो। ऐसे में पहला सवाल आपका ये था कि परिवार, जी हाँ, दिल्ली से परिवार जो है वो अमृतसर कल रात पहुंच गया था, पूरी तैयारी है परिवार के, चंद लोग जो है वो बाघा बॉर्डर में ले जाए जाएंगे। इसी के साथ साथ ये भी खबर हमारे इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है कि रावलपिंडी से जो है अभिनंदन को लाहौर ले जाया जाएगा, और उसके बाद आईसीआरसी को जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो है उन्हें सुपुर्द किया जाएगा, और उसके बाद तमाम लीगैलिटीज जो है वो इसी सरहद पर जो है दोनों क्रॉस बॉर्डर जब उन्हें हैंड ओवर किया जाएगा तो तमाम चीजें जो है, तमाम लीगल कार्रवाई जो है उसे किया जाएगा, और उसके बाद जो है डिफेंस और कुछ ऑफिशियल्स जो वहां पर मौजूद रहेंगे उनके द्वारा डी ब्रीफिंग के बाद जो है अभिनंदन को उनके परिवार के साथ जो है मिलने दिया जाएगा। ऐसे में पूरी तैयारी है, और ये मानकर चला जा रहा है कि कई लोग जो है क्योंकि आज के दिन में हर भारतीय एक है, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, वो तमाम जो है यहाँ पर ये जो लोग हैं वो अपने अपने उस बेटे का, उस युवा साथी का, उस जावाज का जो है स्वागत करने के लिए पहुंचे। ऐसे में खबर ये भी है कि कई डिग्निटरीज, पॉलिटिकल डिग्निटरीज यहाँ पर पहुंच सकती हैं, और अमृतसर के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अभिनेता यहाँ बाघा बॉर्डर पर बहुत देखे हैं लेकिन आज जो आ रहा है वो असल में हीरो है, असल में बिल्कुल इस असल हीरो का ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। विपिन आप नजर बनाए रखिए, आपके पास पल पल की अपडेट के लिए हम पहुंचते रहेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस समय मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन नोएडा स्टूडियो में इस समय मेरे साथ मौजूद है रमीन मल्लिक जी, साथ ही हमारे साथ दीपक झा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और मेरे साथ मनीष अवस्थी हैं, चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं। मनीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, भारत जो है आज इस वीर जवान का, साहसी जवान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं खुश हूं, आप खुश है, पूरा हिंदुस्तान खुश है। मेरा आपसे सवाल जो है वो थोड़ा लंबा चला जाएगा अगर आप उसको समझे, मैं पूरा आपसे इसके ऊपर एक विश्लेषण लेना चाहूंगी आपका। आपने इस पूरी खबर पर नजर बनाई रखी है, पाकिस्तान आतंकी अटैक करता है, भारत के 40 वीर जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं, भारत रिटालिएट करता है, पाकिस्तान के 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं, पाकिस्तान फिर से उसका जवाब देने के लिए भारत की सीमा को लांघने की कोशिश करता है, जिसमें अभिनंदन जो है जो MiG-21 उड़ा रहे थे, जो कि काफी पुराना विमान है, वो F-16 जो 4th generation का विमान है उसको हरा के, उसको मार के उनकी सीमा में किस तरह से गलती से गिर जाते हैं। चलिए अब अभिनंदन जो वापस आ रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन हो रहा है। ऐसे में आप इस पूरे आतंकी अटैक के बाद जो पूरा घटनाक्रम चला, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव रहा, अभिनंदन की वापसी से क्या ये तनाव आपको थमता हुआ नजर आता है? देखिए कंचन, आपके इस सवाल में इतने सारे सवाल हैं कि जवाब देते देते मुझे लगता है बहुत वक्त लग जाएगा लेकिन चूंकि आपने एक बात कही
कि हमारा मिग पुराना है, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। और इसी ओल्ड ने ये बताया कि उनके F-16 को, जिसका नाम यही बड़ी बात है, मेरी जानकारी जो आ रही है कंचन, वो ये कि F-16 का नाम Fear-16 हो जाएगा, जो डर के मारे वो बिल्कुल दुबक कर मारना पड़ा, जिसको हमने धाराशाही कर दिया। ऐसे वीर सपूत अभिनंदन की वापसी को लेकर मेरे ख्याल से आज देश का बच्चा बच्चा, क्या बड़ा क्या बुजुर्ग क्या छोटा, हर कोई इतने ज्यादा उत्साह में, हर्षोल्लास का माहौल है। अब बात करें कि आखिर ये दबाव कैसे बना। बात अगर आप घटनाक्रम को देखें तो अतीत में अगर हम जाते हैं तो ट्रंप जिस तरह से जानकारियां देते रहे, उन्होंने ये कहा कि हमारे जब एयर स्ट्राइक हमने आतंकी ठिकानों पर की पाकिस्तान के, तो वहां पर जब ट्रंप ने उसके पहले घंटों पहले कह दिया था कि भारत कुछ बड़ी कार्रवाई करने की सोच रहा है, फिर ऐसे ही ये होता है कि भाई बुधवार रात जो पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत की हमारी सीमा में घुसने की, हालांकि उसे उसके दांत खट्टे कर हमारे अभिनंदन ने बता दिया कि चौकस कितनी है हमारी सीमा और हमारे वीर जवान, फिर उनको लेकर जब बात हुई और बुधवार रात ये तनाव बढ़ने लगा दोनों मुल्क की ओर, कि संदेश संकेत ये जाने लगे कि अब ये दोनों मुल्क युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया की बड़ी ताकतें और खासकर अमेरिका ने जो ट्रंप कार्ड खेला, जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जरूरी है शांति, शांति इसलिए क्योंकि ट्रंप ने एक और संकेत दिया है अपने वक्तव्य में। उन्होंने ये साफ कहा है कि सदियों से चली आ रही, लगभग तीन दशक तो हो ही गए, तीन दशकों से जो अशांत बना हुआ क्षेत्र है वहां पर शांति आएगी, तो बड़ी खबर मेरे ख्याल से अभिनंदन की रिहाई के साथ साथ ये भी देखनी चाहिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चेता दिया है, बता दिया है और समझा दिया है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को पूरी तरह से धराशायी कर रखा है, एकदम उसको उस एज पे लाके रख रखा है जहां पर उसके एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। तमाम आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएं, पंजाब के फिरोजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध जासूस को धर दबोचा है। 21 साल के शख्स को बॉर्डर के पास से पकड़ा गया है। इसके पास से जो मोबाइल मिला है, इस मोबाइल में 6 इस्लामिक ग्रुप बने हुए हैं, ये ग्रुप पाए गए हैं इसके मोबाइल में। बीएसएफ संदिग्ध से पूछताछ कर रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी पकड़ बताई जाएगी पंजाब की फिरोजपुर पुलिस के हाथ में, जहां पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। और हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि आज अभिनंदन का हार्दिक अभिनंदन जो है किया जा रहा है, भारत वापस लौट रहे हैं अभिनंदन। हमारे साथ हमारे नए मेहमान डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सर, आपके पास आ जाती हूं, जैसा कि आप बता रहे थे समय आपके पास कम है। सर, ये भारत की आप कितनी बड़ी, मतलब सेना की, भारतीय सेना की, भारत की एस्टेब्लिशमेंट की जीत मानते हैं अभिनंदन का, तो आप भी आज कांग्रेस पार्टी भी दिल से हार्दिक अभिनंदन कर रही होगी। निश्चित तौर पे अभिनंदन, वीर अभिनंदन का वंदन भी है और अभिनंदन भी है। जिस तरह से आज सेना ने एक अपनी कूटनीति के तहत भी और साथ में अपनी सामर्थ्य क्षमता के साथ भी जो परिचय दिया है, पूरा देश कहीं ना कहीं नतमस्तक है, सेना के सौर पर सेना के को सलाम करता है और वीर अभिनंदन को भी पूर्णतः वंदन करते हुए कांग्रेस पार्टी, देश के एक एक नागरिक, एक एक हमारे कांग्रेस के सिपाही, उनका नंदन अभिनंदन कर राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभिवादन कर दीजिए। निश्चित तौर पे देश की जो भारत सरकार है, भारत सरकार के जितने एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो विदेश मंत्रालय के कर्मचारी हैं, चाहे कूटनीतिज्ञ हैं, चाहे रणनीतिकार हैं, सबने मिलकर के एक नई ये प्रयास किया और इस प्रयास में उनको बिल्कुल, तो आप मान गए कि जो बोला वो करके दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साथ में मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं हमारे, जो पुराने साथी रहे हैं, सदियों से हमारा साथ दिया, जिन देशों ने, चाहे यूएस की बात हो या बाकी देशों का, जो कूटनीतिक प्रयास हुए और उसका भी एक परिणाम हुआ, ये सामूहिक एक तरह से सबको, ये तो ये भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है, हम बता रहे हैं डॉक्टर अजय जी। बागा बॉर्डर का रुख कर लेते हैं ये सर, जहां से गगनदीप हमारे साथ मौजूद है। गगनदीप, क्या देख रहे हैं इस समय, क्या तस्वीर आपके सामने निकल कर आ रही है? हर तरफ जश्न, ढोल नगाड़े, लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं वाघा सरहद के ऊपर, जहां आप देख सकते हैं कि लोग दूर दूर सर सुबह से ही आकर अभिनंदन के स्वागत के लिए अपनी पलके बिछाए बैठे हैं। कहां से आप आए? सर, दुसुआ से। कितना टाइम आपको लगा? कौन सा? सुबह 5:30 बजे चले थे, तो अभी 10-15 मिनट हुए, मेरा बेटा आया साथ में। जब रात को हमारे को पता चला ना, शाम को, तो उसी टाइम हम तैयारी कर रहे हैं। आपको अभिनंदन की रिहाई हो रही है, तो कैसा आपको महसूस? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी थी, बहुत ज्यादा। बड़ा हार आपने उठाया है, खुद तो बनाया सर, खुद ही बनाया आपने हार, हमारी फैमिली ने, हमारे बच्चों ने मिलके बनाया, गांव वाले बच्चों ने मिलके बनाया।
पंजाबी भाषा में कुछ ऐसा इनके मुंह से निकलवाइए जो आज जो पूरा देश जो उनको देख रहा है सुन रहा है उसका सीना जो है और गदगद हो जाए। कुछ अल्फाज ऐसे कुछ गुनगुनाना चाहेंगे ये? तो आपको बता दें बिल्कुल हार इन्होंने तैयार किया है, इनका बेटा जो है वो भी साथ में, नौजवान हो आप, कैसे देखते हो जब दोनों देशों में ऐसा तनावपूर्ण माहौल बन जाए? तो आज पूरा देश जो है जश्न मना रहा है, हर घर में एक दीप जलाने का आज दिन है क्योंकि आज अभिनंदन जो है वो भारत लौट रहे हैं और इस वीर जवान को अपने देश में स्वागत करने के लिए आज वाघा बॉर्डर पर जो है हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इंडियन न्यूज